क्या बिग बॉस 14 को मिल गया है शहनाज गिल का मेल वर्जन? जी हाँ, क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 13 में हमने देखा कि शुरुआत से लेके अंत तक किस तरीके से शहनाज गिल ने हमें एंटरटेन किया। एंटरटेनमेंट का हर वो डोज उन्होंने हम सभी को दिया। ऑडियंस ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए या फिर घर के कंटेस्टेंट्स। और वैसे तो शहनाज गिल की कोई तुलना नहीं हो सकती किसी भी कंटेस्टेंट्स के साथ, लेकिन उनकी जो मेन, जो एक बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी थी, वो थी कंटेस्टेंट्स की नकल उतारना, मिमिक्री करना। जिस तरीके से वो कोयना मित्रा, आरती सिंह और सिद्धार्थ शुक्ला सबकी जो वो मिमिक्री करती थी, वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगती थी और प्लस सलमान खान को भी पसंद आती थी और घर के सदस्य और ऑडियंस को भी। अब ये जो क्वालिटी है मिमिक्री वाली, ये हमें बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य में देखने मिली। जैसे हमने देखा था वो किस तरीके से वॉशरूम एरिया में एजाज खान के सामने वो मिमिक्री कर रहे थे। हर सदस्य के, चाहे जान ले लीजिए, एजाज खान की ले लीजिए, निक्की की ले लीजिए, रुबीना की ले लीजिए, अभिनव की ले लीजिए, हर कंटेस्टेंट्स के वो नकल उतारते हुए नजर आए, जो कि काफी एंटरटेनिंग लगा। और प्लस टास्क के दौरान हमने देखा किस तरीके से वो उन्होंने टॉगल डांस किया, वो शायरियां कह रहे हैं, रैप कर रहे हैं और साथ ही साथ नागिन डांस कर रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट का जो भी उन्हें लग रहा है कि मैं दे सकता हूं, कर सकता हूं, फुल ऑन कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि बिग बॉस 14 को कहीं ना कहीं शहनाज गिल जैसा ही कोई कंटेस्टेंट मिल चुका है जो एंटरटेनमेंट कर रहा है। लेकिन अब देखना ये बनता है कि ये जो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, जो ये कंटेस्टेंट राहुल वैद्य है, इसको कब तक, कितने देर आगे तक बढ़ाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते हमने देखा था किस तरीके से वो पूरी तरीके से सोए हुए पड़े थे, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन सारा गुरपाल के एविक्शन के बाद से ही वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट का हर वो एक साइड दिखाया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि राहुल वैद्य को आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे घर के कंटेस्टेंट, चाहे सीनियर्स की बात कर लीजिए या फिर आप लोगों की, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और आपको भी लगता है कि बिग बॉस 14 को मिल गया है शहनाज गिल का मेल वर्जन? जो भी कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।